अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आप सबको मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज हम डाइवर्सिटी इमाम प्लान्स में सेकंड लेक्चर अपलोड करते हैं और आज हम डायग्नोस्टिक करेक्टर ऑफ प्लांट्स यानी प्लांट की जो नुमाय खसूसियात हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं प्लांट बॉडी की जानिब के प्लांट बॉडी यानी प्लांट की बॉडी जो है वो किस जनरेशन को पैदा कर पाए। तो देखिए, द मेन बॉडी इज स्पोरोफाइट। जो प्लांट है उसमें दो किस्म की बॉडीज पाए जाते हैं, वन इज स्पोरोफाइट एंड द नेक्स्ट वन इज गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट वो प्लांट है जहां पर गैमेट्स यानी स्पर्म और एग जो है वो पैदा होता है, और स्पोरोफाइट वो लिविंग थिंग्स यानी उन प्लांट को कहते हैं जो कि हमारे साथ छोटे छोटे स्पोर्स पैदा करते हैं। तो देखिए, स्पोर्स आर स्मॉल ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर रिस्पांसिबल फॉर रिप्रोडक्शन। ये जो है ये छोटे छोटे दाने की तरह स्ट्रक्चर होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के लिए दरकार होता है। तो मेन जो बॉडी है प्लांट्स का वो स्पोरोफाइट है, यानी ज्यादातर जो प्लांट है उनमें स्पोर पैदा होंगे। नेक्स्ट वन इज जो है द स्पोरोफाइट जनरेशन आल्सो इंक्लूड हर श्रब्स। अब ये जो स्पोरोफाइट बॉडी है ये श्रब में भी हो सकता है, इसके अलावा जो है हर्ब्स में भी हो सकता है और ट्रीज में भी हो सकता है। तो अगर मैं आपको बताऊंगा हर्ब्स और श्रब्स और इसके अलावा ट्रीज के दरमियान जो बुनियादी फर्क क्या है, तो देखिए ट्रीज जो है ये सबसे पहले प्लांट है, इसके बाद जो है श्रब्स दूसरे नंबर पर आता है और हर्ब्स जो है ये तीसरे नंबर पर आता है। अब श्रब्स और हर्ब्स के दरमियान बुनियादी फर्क ये है कि श्रब्स की जो स्टेम है वो हार्ड होता है और हर्ब्स की जो स्टेम है वो सॉफ्ट होता है यानी नरम होता है। तो अगर मैं आपको बताऊंगा कि टोमेटो जो है टमाटर ये सॉफ्ट यानी उनकी जो स्टेम है वो सॉफ्ट है तो ये हर्ब्स में आता है, इसके अलावा रोज और सनफ्लावर्स जो है उनकी जो स्टेम है वो हार्ड होता है तो ये जो है श्रब्स में आता है। तो देखिए, स्पोरोफाइट जनरेशन जो है ये हर्ब्स में भी हो सकता है और श्रब्स में भी हो सकता है। तीन नंबर जो मेन बुनियादी करेक्टर है प्लांट का, जो बुनियादी चीज है, द प्लांट आर नॉन मोटाइल। क्या ये नॉन मोटाइल है? नॉन मोटाइल का मतलब क्या है कि ये हरकत नहीं कर सकता जिस तरह हम जो है हरकत करते हैं। और द नेक्स्ट वन जो है प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ। प्लांट जो है ऑटोट्रॉफ है यानी अपना खुराक खुद तैयार कर सकता है। The next one is embryophytes. Embryophytes का मतलब क्या है कि यहाँ पर embryo formation जरूर होगा। The next one is alternation of generation. ये बुनियादी चीज़ है। अब देखें, मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू जो है ये alternation of generation को समझाऊंगा आपको। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये female gametophyte plant है meiosis का। Female gametophyte इसलिए इसको कहते हैं कि ये female gametes का बनाता है और यहाँ पर एक जो है वो यहाँ पर बन जाता है। The next one is जो ऊपर वाला प्लांट है तो ये मेल गैमेटोफाइट है। मेल गैमेटोफाइट का मतलब ये है कि यहाँ पर मेल गैमेट्स बन जाता है, स्पर्म बन जाता है। तो ये दो प्लांट्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अब अगर मैं आपको फर्दर बताऊं तो यहाँ पर जो तेल है यहाँ ऊपर वाली हिस्से पर, तो इस तेल को एंथ्रियोडिया कहते हैं जहाँ पर मेल गैमेट्स पाए जाता है, और नीचे वाला जो प्लांट है तो यहाँ पर भी एक तेली है जिसको आर्चिगोनिया कहते हैं, यहाँ पर भी मेल गैमेट्स होंगे। तो आपको मालूम है कि हमेशा मेल गैमेट्स ये जो है फीमेल गैमेट्स के साथ कंबाइन होकर यहाँ पर जायगोट बनेगा। तो ये जो प्लांट है इसके ऊपर ही, इसके ऊपर जो नया स्ट्रक्चर है इसके ऊपर ही बन जाएगा, यहाँ पर से दूसरे प्लांट को ये ट्रांसफर नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे साथ एक प्लांट है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है आप देखते हैं तो ये जो है जायगोट है। अब जायगोट किस तरह बन गया, यहाँ पर जो मेल गैमेट्स हैं यहाँ से ट्रांसफर होकर आर्चिगोनिया में आ चुके हैं और जायगोट इन्होंने बनाया है, और नीचे वाले जो स्ट्रक्चर है इनको राइजाइट कहते हैं। अब देखें ये जो प्लांट है तो यहाँ पर गैमेट्स बन चुके थी तो इसलिए इसको हम गैमेटोफाइट प्लांट कहते हैं। अब इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर नमूदार हो जाएंगे जिसको हम कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल के अंदर जो है स्पोर बन जाएंगे और ये जो स्पोर है इसकी वजह से अब नए जो प्लांट है इसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। नीचे वाला जो प्लांट है गैमेटोफाइट और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो क्या है, स्पोरोफाइट।
तो अगर मैं आपको बताऊंगा कि मोसेस में गैमेटोफाइट जो जनरेशन है वो होडामिन है, तो ये इसलिए कि ये यहाँ पर जो स्पोरोफाइट प्लांट है यानी स्पोरोफाइट जो हिस्सा है वो गैमेटोफाइट पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ से हम इसको काट लें तो ये जो है बाकी यहाँ पर एक्टोवेल्डाई ये खत्म होने वाला है, तो फिर इसके बाद ये जो कैप्सूल है इसके अंदर स्पोर बन जाता है और स्पोर नीचे और होकर जमीन की तरफ आ जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं, और फिर इस स्पोर की वजह से नए जो है प्लांट्स बन जाते हैं। वन इज द फीमेल एंड द नेक्स्ट वन इज मेल। अब यहां पर देखें यहां पर ये जो नीचे वाला प्लांट था वो मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट था, उसके अंदर जो है गैमेट्स थे यानी मेल गैमेट्स था और फीमेल गैमेट्स था। तो यहां तक जो है ये जो साइकिल है ये क्या है, ये गैमेटोफाइट है। अब इसके बाद इस गैमेटोफाइट प्लांट पर स्पोरोफाइट बन गया, तो गैमेटोफाइट ने कन्वर्ट हो गया किसमें, गैमेटोफाइट कन्वर्ट हुआ गया स्पोरोफाइट में। तो ये जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है कि गैमेटोफाइट जो है वो कन्वर्ट हो जाए किस चीज में, स्पोरोफाइट में, और स्पोरोफाइट फिर जो है दोबारा गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाए, तो इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। The next one is growth. अब growth की हम अगर मैं बात करूं तो growth जो है ये plant के दो हिस्सों में होता है, one is the upper area and the next one is the lower area. Lower area में जो roots होता है तो उसमें ज्यादातर ये जो meristematic tissue है वहां पर पाए जाते हैं, और इसकी वजह से cell की जो division है बहुत तेज होता है, तो इसलिए इनका जो size है plant का जो size है वो बढ़ जाता है meristematic tissue की वजह से, तो यहाँ पर growth जरूर होगा plant में। इसके अलावा सेंसिटिविटी प्लांट में पाया जाता है। सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल अगर प्लांट के इर्द गिर्द जो माहौल है वहां पर वाटर ज्यादा है तो ये जो है अपना स्टोमेट जो है उनको ओपन करेगा, क्योंकि इखराज का अमल यहाँ पर ज्यादा होना चाहिए यानी ट्रांसपायरेशन यहाँ पर होगा। अब अगर मैं बात करूँ कि फॉर एग्जाम्पल वाटर की जो क्वान्टिटी वो कम है तो फिर ये स्टोमेट अपनी जो स्टोमेट है उनको क्लोज करेंगे। लास्ट जो है रॉ मटेरियल ये भी इस्तेमाल करता है जैसे कि CO2 है, स्टोव है, सनलाइट, क्लोरोफिल, रॉ मटेरियल ये इस्तेमाल करते हैं और इससे ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो गैस है उनको खारिज करता है। तो ये थी 9 करेक्टर प्लांट की। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो सीरीज वाइज जो लेक्चर है उनको भी अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वसलाम।